नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज, हिंदू ज्योतिष हमारे YouTube चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। 8 मई 2019 से 15 मई 2019 तक ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से सुनेंगे कि 8 व 9 मई का जो समय है वो आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको किसी ना किसी अप्रिय घटना का संदेश आपको मिल सकता है व अनेक कष्ट आपको 8 व 9 मई को भोगने पड़ सकते हैं। कोर्ट व कचहरी में अगर किसी प्रकार का आपका कोई केस, कोई मामला चल रहा है, वहां भी आपको किसी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपको करना क्या है, वृश्चिक राशि के जातक क्या करें कि मंगलवार के दिन दोपहर के समय बूंदी का प्रसाद, मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर के हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को यह प्रसाद अर्पण करें। समय जो रहेगा वो दोपहर का 2 बजे का समय रहेगा, तो वृश्चिक राशि के जातक यह कार्य अवश्य करें। घर में आपके 8 व 9 मई को कोई अशुभ समाचार आपको मिलेगा या सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 10, 11 व 12 मई की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक जो राजनीति के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, वे अपने मेहनत के बलबूते पर एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। और जो वृश्चिक राशि के जातक राजनीति के दाव पेच को नहीं जानते, वे भी 10, 11 व 12 मई को राजनीति क्षेत्र में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग, जो वृश्चिक राशि का विद्यार्थी वर्ग है, उन्हें अपने मनोनुकूल, अपने इच्छा के अनुसार परिणाम मिलने की पूरी आशंका 10 से 12 मई तक बनी हुई है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये पूरा सप्ताह जो वृश्चिक राशि के जातक राजनीति में प्रयासरत हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। 13 व 14 मई को जो कार्य आपने इस सप्ताह में किए, उनका यश आपको मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी ना किसी मांगलिक कार्य में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और 13 व 14 मई को आपके घर में अतिथि का आगमन होगा, अतिथियों की सेवा में आप बिजी रहेंगे। 15 मई को आपका रुका हुआ पैसा वापिस आ सकता है। बाकी जो मैंने वीडियो में आपको उपाय बताए उसे आप समय पर कीजिए। मंगलवार को 2 बजे हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद आपने अर्पण करना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।